वेडनेसडे फूड रिव्यू के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम कंपेयर कर रहे हैं KFC के न्यूली लॉन्च्ड डबल डाउन बर्गर और उनका रेगुलर जिंगर बर्गर, इन दोनों के बीच में। लेकिन आज KFC की डिलीवरी ने पूरा मूड खराब कर दिया है। ऐसा एक्सपीरियंस मेरा आज तक कभी नहीं हुआ और मैं आगे शेयर करूंगा क्या कुछ चीजें हुई हैं। और ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये मेरा मैसेज KFC के ऑफिशियल्स तक पहुंच सके। तो आप सबसे गुजारिश है जितना ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर सकते हैं कीजिए। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन और चलिए शुरू करते हैं इस कंपैरिजन वीडियो को। तो ये पैकेज हमें डिलीवर हुआ है और प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने ऑर्डर किया था 7:10 पे शाम को और मेरा ऑर्डर कंफर्म भी हो गया है। मैसेज आ रहा है मुझे कि आपका ऑर्डर निकल चुका है और 7:30 बज रहे थे उस वक्त। उसके बाद से मैं इंतजार कर रहा हूं, अभी तक कोई खबर नहीं। 9:30 मुझे कॉल आता है कि सर आपका ऑर्डर लेके मैं KFC से निकल रहा हूं। तो ये पैकेज है और हमने ऑर्डर किया है KFC का डबल डाउन बर्गर और उसका जिंगर बर्गर, और साथ में आप अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री कोड उनके साथ चल रहा था जिसमें कि एक वेज बर्गर भी प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये शायद वेज बर्गर है और ये नॉनवेज बर्गर है। ओह माय गॉड, मतलब इन्होंने दोनों एक ही साथ दे दिया है जबकि इसके पहले ऐसा नहीं करते थे। तो भाई KFC ये भी एक आपकी गलती की है कि वेज और नॉनवेज दोनों को मिला दिया। एटलीस्ट जब इसमें पैक किया ही था तो इसको अलग से ही मुझे डिलीवर करवा दिया होता आपने। वेरी बैड। और ये निकला, ये जिंगर बर्गर है, इसे मैं साइड में रखता हूं। ओके, ये वेज जिंगर है, ये वेज जिंगर बर्गर, और ये है शायद इनका डबल डाउन बर्गर। और ये देखिए आप, कुछ इस तरह की पैकिंग है। पास आके देख लीजिए थोड़ा, ये कुछ ऐसा है। तो पैकेजिंग तो कुछ नहीं की गई है, अब मुझे नहीं पता कि ये इसको कैसे खोलना था, ये पहले से खुला हुआ है सारा का सारा। एनीवेज इसको निकालते हैं और कुछ भी नहीं, तो इसको करते हैं साइड में और इसे निकालते हैं प्लेट में। तो ये कुछ उनका नया बर्गर, काफी सॉगी सॉगी सा हो गया है डिलीवरी में। ओह माय गॉड, इसकी तो भाई हालत ही खराब हो गई है, देख रहे हैं आप। ओहो, ये हाल है भाई बर्गर का, क्या कर सकते हैं, डिलीवरी में तो ऐसा होना ही है। बट ये पूरा सॉगी हो गया है और टेस्ट भी इसका पता नहीं कैसा आएगा अभी। एनीवेज इसको रखते हैं यहाँ पे। तो ये है इनका डबल डाउन बर्गर और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इस बर्गर में बंस नहीं होते बल्कि आपको ऊपर और नीचे चिकन का एक बड़ा सा टुकड़ा दिया जाएगा और उसके अंदर बहुत सारी फिलिंग्स की जाएगी। तो ये हालत हुई है फिलिंग की, आप देख लीजिए। और लेट्यूस हर बार की तरह इस बार भी कचरा मिला है इसमें। और लास्ट वाली वीडियो जो आपने देखी थी मेरी, जिसमें मैंने क्रिस्पर बर्गर और जिंगर बर्गर को कंपेयर किया था, उसमें भी लेट्यूस का यही हाल था। मतलब KFC का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, खासकर मैं ये सगुना मोड़ वाले सेंटर की बात कर रहा हूँ, पटना में जो है सगुना मोड़। आज इन्होंने ऐसा किया है ना कि इसके बाद जरूरी है ये बोलना, क्योंकि आप सबको भी जानना जरूरी है। आप हमारी वीडियोस देखते हैं, कहीं ना कहीं अगर मैं आप तक सही चीज जो एक्सपीरियंस किया है मैंने वो अगर नहीं पहुंचाता हूं, झूठ झूठ की बातें बोलो और बोलो हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो ये गलत होगा। ये मैं गलत कर रहा हूं आपके साथ, मेरे व्यूअर्स के साथ। तो मुझे ये बताना जरूरी है जब मुझे मेरा एक्सपीरियंस खराब हो और जब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हो। तो फिलहाल अभी तक देखने वाइज मेरा एक्सपीरियंस खराब है। अब थोड़ा जिंगर बर्गर को भी खोल के देखते हैं। और अब आते हैं हमारे जिंगर बर्गर की तरफ और इसका क्या हाल है। इसका हाल तो सही लग रहा है, ये बढ़िया है। कहाँ जा रहे हो भैया, रुको। ये देखिए इसका हाल क्या है, वही सेम है, मेयोनीज और ये लेट्यूस, जिसका की हालत ये तो शायद खराब भी है, आप कलर से पता चल सकता है आपको। इसका कलर थोड़ा डार्क होना शुरू हो गया है, तो ये तो भाई मैं नहीं खा पाऊंगा। और यहाँ भी ये सड़ा हुआ लेट्यूस, इसको भी हटा दीजिए। तो बाकी बच जाता है हमारे पास एक बड़ा सा चिकन का टुकड़ा और एक बन
और थोड़ा सा मेयो जो कि फैल चुका है। तो ये है पूरा हिसाब किताब जिंगर बर्गर का। आपने देख लिया दोनों बर्गर किस तरह से आया हमारे पास। अब टेस्ट करके बताते हैं कि एक्चुअली में कैसा है। तो सबसे पहले डबल डाउन इसको टेस्ट करेंगे क्योंकि ये नई चीज है और एक्सपीरियंस भी नया है। मुझे एक चीज की उम्मीद है कि अगर ये गर्म होता, हम अगर उनके आउटलेट पे खा रहे होते तो शायद इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता। क्योंकि और वेट अगर मैं बताऊं तो काफी अच्छा मजबूत सा है ये बर्गर। अंदर में रेड कलर का कोई सॉस है तो उम्मीद है मुझे कि तीखा जरूर होगा। और चलिए इसे टेस्ट करके आपको बताते हैं पहली बार। और इसमें भी ये सड़ा हुआ लेट्यूस, इसको पहले हटा दें यहां से। तो पहली बार डबल डाउन बर्गर केएफसी का आपके लिए मैं ट्राई करके बता रहा हूं। बर्गर खाने के लिए ना एक्चुअली आपको बहुत बड़ा मुंह चाहिए अगर बड़ा बर्गर हो तो। कोशिश करते हैं एक बाइट में खाने की। सो अब आपको टेस्ट बताते हैं कैसा है। ऊपर और नीचे जो बन की जगह इन्होंने चिकन यूज किया है वो फ्राइड चिकन जैसा ही है इनका, कुछ भी अलग नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज है इसके बीच में, एक तो जो मेयो है वो, और दूसरा ये जो रेड कलर का जो सॉस है, ये चीज ये बहुत अच्छा किक दे रही है। अच्छा तीखापन है इसके अंदर और शायद ये पैप्रिका है, शायद, आई एम नॉट श्योर, बट ये पैप्रिका है। टेस्ट वाइज मुझे पसंद आया, सर्विस बेकार थी लेकिन केएफसी का स्वाद अच्छा है, मतलब ये तो मैं कहूंगा। बहुत अच्छा, मूड ठीक होना शुरू हो गया। तो बट हाँ, अफसोस रहता है कि इसे गर्म गर्म खाता और भी मजा आता। तो ये केएफसी का डबल डाउन बर्गर आपको पड़ेगा 249 रुपीस का, और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक है, दो पीस बढ़िया पीसेस मजबूत चिकन के आपको मिलेंगे और अंदर में कई सारे सॉस भरे हुए हैं इसके अंदर। और क्रिस्पी जब ये होता, मतलब जब से इनके आउटलेट पे खा रहे होते, तब इसका टेस्ट और भी अच्छा आता। और ऐसे मुझे थोड़ा स्मोकी फ्लेवर भी इसके अंदर आया है, पैप्रिका का जो चिलीज है वो शायद पैप्रिका है, पैप्रिका का टेस्ट आ रहा है। मेयो है रेड वाली और शायद तंदूरी मेयो उसको बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, अगर आपको पता तो कमेंट में बताइए। ओवरऑल 249 रुपीज में इज अ गुड ऑप्शन, आप नई चीज है ट्राई कर सकते हैं। और हमारा पुराना साथी KFC जिंगर बर्गर जो कि आता है 160 रुपीस में, इसके अंदर भी चिकन का वैसा ही पीस, लेकिन इसके अंदर चिकन का एक पीस मिलता है और उसके अंदर आपको चिकन के दो पीसेस मिलते हैं। जिंगर बर्गर मैंने पहले कई बार ट्राई किया है, फिर से आपको ट्राई करके बता देता हूं। बन हमेशा से मुझे सूखा ही मिलता है, चिकन है वो थोड़ा क्रिस्पी है बट चूंकि डिलीवरी में आया है तो थोड़ा सॉगी हो गया है। बाकी मेयो और टेस्ट सब कुछ सेम। अब मैं अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करूं तो 160 रुपए, 250 रुपए दोनों अलग चीज है, तो इसलिए हम शायद हम लोग पूरी तरह से उन दोनों को जस्टिस नहीं कर पाए कंपैरिजन में। वैसे ऑप्शन अच्छा है डबल डाउन बर्गर का, एक बार आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो इतना कुछ होने के बाद केएफसी ने थोड़ा सा मूड ठीक कर दिया है और आई विल रिकमेंड कि डबल डाउन बर्गर आप ट्राई कीजिए जरूर से। लेकिन साथ में आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सो दैट जो ये प्रॉब्लम है, ये डिलीवरी की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी ठीक हो जाए। क्योंकि जब कंटेंट इतना अच्छा है, जब प्रोडक्ट इतना अच्छा है, तो ये छोटी छोटी चीजें ना मूड खराब कर देती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इन दोनों को अब मजा लेता हूं और वीडियो में आपसे अब लेते हैं इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए फूड कंपैरिजन के साथ। अगर आपको कुछ चाहिए कंपेयर, जो मैं कंपेयर करूं, तो वो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। जरूर कोशिश करूंगा कि वो फूड आइटम्स आपके लिए कंपेयर करके वीडियो बनाऊं। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जो मन में आए करते रहिए।